हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफेंस रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडी फॉर बैक स्टॉक। सो गाइस, आज है 20th अप्रैल 2022 और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले एक बार फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहने वाले कल के दिन और कल कैसा सेशन रह सकता है। बिकॉज आज अगर हम लोग बात करें तो आज है यहाँ पर वेडनेसडे और कल यहाँ पर है थर्सडे। तो कल जो है वीकली एक्सपायरी है और इस वीकली एक्सपायरी में किस तरह का ट्रेड कल रह सकता है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो कैसी है। तो 177 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग आज निफ्टी ने हमको दी है और एक रजिस्टर्स मार्केट ने थोड़ा सा फेस किया था 17140 का। सेकेंड हाफ में इसको मार्केट ने तोड़ा डिसाइसिवली एंड उसके बाद मार्केट ने एक रजिस्टर फेस किया जो कि था 17200 का। अब 17200 का क्यों था रजिस्टर्स? बिकॉज मार्जिनल कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा आज देखी गई थी 17200 के लेवल के ऊपर। मार्जिनल कॉल राइटिंग दबा करके हुई थी जिसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था और अगर बाजार ऊपर जाता तो वहाँ पर उसके बाद एक और जो स्ट्राइक प्राइस था 17400 वाला था जिसके अंदर मार्जिनल कॉल राइडिंग सबसे ज़्यादा हुई थी। तो जिसकी वजह से बाजार के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रेजिस्टेंस था 17200 के लेवल पर। एंड अगर आपको ध्यान होगा तो काफ़ी जो हमारे फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम के ऊपर उनको बोला भी गया था कि मार्केट का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 17140 का, जिसको तोड़ेगा मार्केट तो उसके बाद मार्केट 17175 का जो टारगेट है उसको इजीली टेस्ट कर लेगा। तो ये है आज की क्लोजिंग। कल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इसका जो टारगेट रहेगा कैसा रहेगा एंड इसके बाद हम लोगों ने निफ्टी का भी देखा था, निफ्टी बैंक का, कि निफ्टी बैंक 36000 के लेवल को आज तोड़ेगा नहीं और 36500 का फर्स्ट टारगेट आज निफ्टी बैंक के लिए रहेगा। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये है कल वाली वीडियो का स्क्रीनशॉट। 36500 का फर्स्ट टारगेट निफ्टी ने अचीव किया और 36000 के सपोर्ट को आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं एंड इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट था एग्जैक्ट इसके पास आज निफ्टी की ओपनिंग हुई 17045 के लेवल पर और तीसरा टारगेट भी आज फाइनली निफ्टी ने टेस्ट कर लिया। जैसे कि कल हम लोगों ने आपको बोला भी था कि आज हाई कन्विक्शन है कि बाजार आज हमारा पॉजिटिव बुलिश मोड में ही होना चाहिए, तो एग्जैक्टली आज बाजार ने वैसा ही परफॉर्म किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आज सबसे अच्छी तेजी हुई है, करीब 500 प्लस पॉइंट्स की आज तेजी के साथ हमारा बाजार सेंसेक्स बंद हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स की जो ओपनिंग हुई है वो बढ़िया हुई है, पॉजिटिव है 273 पॉइंट्स के साथ और नैसडेक 100 की जो अगर हम ओपनिंग देखें तो यहाँ भी जो इसकी ओपनिंग है लगभग 36 पॉइंट्स की तेजी के साथ इनके बाजार यहाँ पर ओपन हुए हैं। S&P 500 इंडेक्स इसके अंदर भी हल्की फुल्की तेजी है। तो अमेरिकन बाजार आज सेकंड डे लगातार बढ़िया खुले हैं, अब इसके बाद क्लोजिंग अच्छी हो जाती है तो हमारे बाजार को ओपनिंग अच्छी मिल सकती है। अब लंदन मार्केट की बात की जाए हल्का सा पॉजिटिव है, पेरिस मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर 1.25% की तेजी है और फ्रैंकफर्ट डैक्स मीन्स जर्मनी की मार्केट की बात की जाए तो यहाँ भी लगभग 1% की तेजी है। तो यूरोपियन मार्केट में बढ़िया यहाँ पर ट्रेड अभी फिलहाल देखने मिल रहा है। एंड जापान मार्केट के अंदर बात की जाए तो जापान के अंदर भी लगभग 1% के पॉइंट्स के आसपास की तेजी है और हांगकॉन्ग की मार्केट में गिरावट है। चाइनीज़ मार्केट में भी आज 103 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखी जा सकती है। तो एशियन मार्केट में सिर्फ हमारा बाजार और जापानीज़ मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर अब नेगेटिव से थोड़ा सा आज के दिन पॉजिटिव हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं FIIs और DIIs आज क्या करके गए, देन इसके बाद देखेंगे FIIs डेटा, देन इसके बाद हम लोग आएंगे वापस चार्ट के ऊपर, निकालेंगे कल के लेवल्स एंड टारगेट्स क्या रह सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं स्टॉक एज, यहाँ 19 अप्रैल 2022 का कल तक का डेटा अपडेटेड है और कल तो जो डेटा था ठीक था, 5871 करोड़ की बिकवाली करके गए थे FIIs और इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 1300 करोड़ की खरीदारी करके गए थे, तो कल का डेटा ठीक था। अब इसके बाद जो आज का डेटा है यहाँ पर भी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है तो हम लोग चलते हैं दूसरी साइड के ऊपर, वहाँ पर निकालेंगे इसका डेटा। सो यहाँ हम लोग आ चुके हैं FIIs और DIIs का डेली में डेटा का, नेट में FIIs और DIIs ने आज 20 अप्रैल को बिकवाली की है। बिकवाली कितने की है टोटल, तो लगभग 363 करोड़ की आज FIIs और DIIs का नेट में मिला करके बिकवाली की है। इसके बाद हम लोग FIIs का देख लेते हैं डेटा, सिर्फ और सिर्फ FIIs क्या करके गए हैं आज यहाँ पर देखा जाए तो आज भी इन्होंने बिकवाली की है और थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की है, लगभग 3000 करोड़ की आज भी ये लोग बिकवाली करके गए हैं। तो FIIs ने फिर से अपना मूड वही एकदम क्लियर कर दिया है जैसे इन्होंने अक्टूबर से सेलिंग करना स्टार्ट किया था वैसे इन्होंने अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है। DIIs बेचारे फिर से इन्होंने खरीदारी स्टार्ट कर दी है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ सिप के द्वारा इनके पास पैसा भी फिलहाल लास्ट मार्च के महीने में आया था FIIs के DIIs के पास, तो इस महीने भी ये लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 2645 करोड़ की इन्होंने कल के सेशन में खरीदारी की है। सिर्फ एक ही यहाँ पर डेटा ख़राब है वो है यहाँ पर DIIs की FIIs की तरफ से, जिन्होंने कल भी यहाँ पर बिकवाली करके गए थे और आज भी वो लोग करके गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ से देखिए अभी जो PCR का रेशियो है कल की एक्सपायरी के लिए 0.59 का है। तो जैसे ही कल हम लोगों ने वीडियो में देखा भी था, डिस्कस भी किया था कि अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है मार्केट और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, बिल्कुल आज उसके अंदर हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग मिल गया। लेकिन जो 28 अप्रैल की एक्सपायरी है यहाँ जो PCR रेशियो है वो इसका 1 के ऊपर है,
बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एक स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, और ये कौन सा है, ये है 17,400। जैसे कि हमने आपको बताया था 17,400 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर दबाकर के कॉल राइटिंग हुई है, और ये कॉल राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि मार्जिनल बेसिस पर हुई है। मार्जिनल बेसिस पर जब भी कॉल राइटिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, बाजार के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता है, बिकॉज मार्जिनल पर जब होता है तो ऐसे में जब भी बाजार उसके आसपास आएगा तो वहाँ पर तुरंत जो है सौदे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। 17,300 उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया पोजिशन है, और नीचे की साइड में अगर हम लोग आते हैं तो 17,000 वाला जो लेवल है यहाँ पर पुट राइटिंग जो है दबा करके हुई है, और इस पुट राइटिंग में एक अच्छा सपोर्ट हमारा बाजार अभी आज के दिन भी दिखा करके गया है, कल के दिन भी बाजार अच्छा सपोर्ट दिखाएगा। 17,000 के लेवल को बाजार कल तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर तोड़ देगा तो वहाँ से हमारे बाजार में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। एक बार कल के एक्सपायरी का भी देख लेते हैं कि पीछे रेशो क्या कहता है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 21 अप्रैल की एक्सपायरी का। तो यहाँ जो पीसीआर है 0.59 का ठीक ठाक लेवल पर है, कल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स के अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने मिल रही है, और यहाँ भी। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन जो बनकर के गई है सबसे ज़्यादा 17,200 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस है वो कॉल की साइड में है, और ये भी जो है सबसे ज़्यादा मार्जिनल बेसिस पर आज डेटा बन रहे हैं। मार्जिनल बेसिस पर 17,200 के लेवल पर है, जो कि हमारे लिए कल भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार इसको तोड़ेगा तो उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस 17,300 के पास है, और यहाँ पर जो सपोर्ट है 17,000 का बढ़िया सपोर्ट बाजार के लिए, और इससे पहले एक और सपोर्ट है 17,050 का। तो 17,050 और 17,100 का बढ़िया सपोर्ट बाजार के लिए कल के लिए बन करके आ रहा है। तो डेटा फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी पर भी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है 21 अप्रैल का हमारे सामने अपडेट हो चुका है, 0.58 का यहाँ पर पीसीआर का रेशियो है, और यहाँ जो मैक्सिमम पोजीशंस बिल्टअप हो रखी है ये हमारे लिए आज जो फ्रेश बिल्टअप हुई है 36,800 वाले स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए बाजार ने 36,500 का एक रजिस्टर फेस किया आज के सेशन में, और इसलिए काफ़ी लोग जो है 36,600 पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये उम्मीद है कि बाजार जो है इसको भी कल टेस्ट नहीं करेगा, और कल अगर ओपनिंग होती है बाजार की फ्लैट के आसपास भी तो भी वहाँ पर अच्छा पैसा कल बन जाएगा ओपनिंग में ही। 36,000 के लेवल पर जैसे कि आज भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट बाजार का बना हुआ था, तो कल भी बाजार के लिए बढ़िया सपोर्ट रहेगा, हालांकि क्लोजिंग आज देखी जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है। तो 36,000 के लेवल पर आज फ्रेश पोजीशन जो बिल्टअप हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पुट की साइड में है, तो पुट राइडिंग काफ़ी दबा करके हुई है। तो डेटा यहाँ पर भी ठीक ठाक है, कुछ खास ऐसे वीकनेस के इंडिकेशन फिलहाल हम लोग को नहीं मिल रहे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो रशियन मार्केट के अंदर अभी गिरावट चल रही है। यूएस के 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कूल डाउन हुआ है बाजार यहाँ पर, और इसके बाद क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई है। थोड़ा सा बाजार अगर हम इंट्राडे में देखें तो थोड़ा सा तेज़ी बनी भी थी, बट उसके बाद अब यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो बाजार यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और ये ट्रेंड इस लाइन के हिसाब से बाजार का एक जो रेजिस्टेंस है वो इसका एग्जैक्टली 8,600 के आसपास निकल करके आ रहा है। एंड बात की अगर हम लोग बात करें तो देखिए डाउजोन के अंदर, डाउजोन में अभी लगभग 200 पॉइंट्स की तेज़ी है, वहीं नैस्डैक की बात की जाए तो यहाँ पर 111 पॉइंट्स की गिरावट है। तो एक बाज़ार पॉजिटिव है और एक बाज़ार नेगेटिव है, इनका जो डाउजोन है ये पॉजिटिव है और नैस्डैक इनका नेगेटिव है। तो अभी यहाँ से हमें क्लियरली एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा है बाज़ार का, एक बार हम लोग यहाँ पर इनका नैस्डैक का भी चार्ट देख ही लेते हैं कैसा है। तो देखिए कल यहाँ पर तेजी हुई थी बाज़ार में, अच्छा रिवर्सल आया था नीचे से, बट उसके बाद आज यहाँ पर बाजार एक 14,300 का एक रजिस्टर फेस करता हुआ नजर आ रहा है। 14,300 के ऊपर इनका बाजार निकलता है, जैसे हमारा बाजार 17,300 के ऊपर निकलता है वैसे ही यहाँ पर अमेरिकन बाजार में अच्छी तेजी आएगी, और जैसे हमारा बाजार 17,300 के ऊपर निकलता है हमारे बाजार में बढ़िया तेजी आती हुई दिखाई देगी। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया विक्स आज यहाँ पर 5.5% कूल डाउन हुआ है, जो कि हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। इसके बाद एसजेक्स निफ्टी की बात की जाए तो 17,153 के आसपास चल रहे हैं, हमारे बाजार के पास ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। तो देखिए निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी, आप लोगों ने इस पैटर्न को देखा भी होगा। तो ये जो पैटर्न होता है ये चांस होता है यहाँ से बाजार में एक स्ट्रांग रिवर्सल आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं स्ट्रांग रिवर्सल के। और कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमारे थंबनेल के ऊपर भी लिखा भी हुआ था वन स्ट्रांग चांस ऑफ रिवर्सल, और वो हम लोगों को आज इसके अंदर देखने को मिला है। अब यहाँ से एक बार हम लोग आ जाते हैं तो देखिए बुलिश हरामी कैंडल क्या होता है। बुलिश हरामी कैंडल का मतलब होता है कि उससे एक दिन पहले बाजार के अंदर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनी हो और उसकी अगली कैंडल यहाँ पर कैसी बनी हो, उसकी प्रीवियस जो बाजार का ओपनिंग होता है और क्लोजिंग जो होता है उसके बीच में एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, और ऐसा होता है तो अगले दिन बाजार के अंदर एक अच्छा रिवर्सल देखा जाता है, ऐसा 95% केसेस में देखा जाता है। तो अगर ये सक्सेस फिर से हो जाता है तो बाजार हमारा अच्छा रिवर्सल दे जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा बाजार कल क्या रजिस्टर फेस कर सकता है सपोर्ट हमारा जो बाजार के लिए रहेगा, अगर बाजार कल 17,050 के लेवल को तोड़ देता है
तो हम लोगों को इमीडिएटली एग्जिट करना है, और हमारे लिए जो नेक्स्ट बाय जोन रहेगा बाजार के लिए, बाय करने के लिए जो जोन रहेगा वो हमारे लिए रहेगा 16,950 से लेकर के 16,925 का लेवल, और वहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,875 का, 890 का। ये हमारे लिए कल एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, बिकॉज 17,000 के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पुट ट्रेडिंग हो रखी है, 17,050 उसके बाद नेक्स्ट अच्छा लेवल है। एंड कल हम लोगों को बाजार जो ओपनिंग हो सकती है वो समवेयर अराउंड 17,125 से लेकर के 17,150 के आसपास ओपन हमारे बाजार हो सकते हैं, और कल हमारा बाजार आपको फिर से एक टारगेट दिखा सकता है। पहला टारगेट जो बाजार में आएगा 17,140 का, सर क्या बात करूँ 17,136 की क्लोजिंग है, 17,140 का ऐसा क्यों कि क्लोजिंग जो हुई है उसके हिसाब से जो बाजार कल हमारे ओपन हो सकते हैं 17,125 के आसपास ओपन हो सकते हैं। तो हमारा बाजार का फर्स्ट टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है 17,140 का, जो आज भी रेजिस्टेंस था डेली चार्ट में। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बाजार का सपोर्ट रहेगा 17,190 का, बाजार अगर जो आज का इसने रेजिस्टेंस फेस किया इसको तोड़ देता है तो उसके बाद हमारा बाजार कल 17,225 तक के लेवल दिखा सकता है। चांसेस किस साइड ज़्यादा है, चांसेस कल जो है हो सकता है कि बाजार आपको पहले थोड़ा बहुत आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखाए, उसके बाद आपको बाजार हो सकता है सेकेंड हाफ के अंदर आपको अच्छा रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर डेली बेसिस पर एक नेगेटिव बेरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, और 20 डेमा के नीचे अगेन हम लोग को बाजार ने फिर से हम लोग को क्लोजिंग दी है, और आज बाजार के अंदर कुछ खास मोमेंटम था नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग इसकी जो कैंडल है 15 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15 मिनट में आप देखिए कि आज बाजार की जो वॉलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी की वो ना के बराबर थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही थी वो लूज़ हो रही थी। जिस किसी ने भी पोजिशन बनाई हुई थी चाहे वो शॉर्ट किया था या लॉन्ग बनाया था, सभी का प्रीमियम यहाँ पर गया है। तो आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, कल यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कल बाजार के अंदर यहाँ पर हमको अच्छा वॉलेटिलिटी मिल सकता है। तो कल हमारा बाजार जब गिरा था तो कल हमारे बाजार ने लो बनाया था 35,926 का, और हमारे लिए बाजार के लिए कल की जो सपोर्ट का काम करेगा, कल हमारा बाजार सपोर्ट करना चाहिए 36,000 के लेवल को अगेन, फिर से इसको तोड़ेगा तो उसके बाद हमारे बाजार में जो नीचे का जो टारगेट आपको बाजार दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि बाजार आपको 35,600 तक के लेवल दिखा जाए, पर चांसेस जो है कम है। एंड इसके बाद हमारा बाजार कल वापस जो आपको टारगेट दिखाएगा, फर्स्ट अगेन जो हमारा टारगेट रहेगा 36,450 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 36,660 का दूसरा टारगेट हमारे बाजार के लिए रहेगा सीधा 210 पॉइंट्स का। बिकॉज कल बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग को एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर एक हम लोग को वॉलेटिलिटी मिल सकती है। एंड इसके बाद हमारे लिए बाजार के लिए जो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो रहेगा 36,850 का, 36,850 के ऊपर निकलने पर हमारे बाजार के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा जो कि रहेगा 37,000 का। 37,000 को क्रॉस करते ही हम लोग फिर एक नए लेवल की तरफ बढ़ेंगे जो कि इसका रहेगा लगभग 39,000 का। सो फिलहाल यहाँ पर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए बिट्स। तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।